स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। इससे पहले आपने सीक्वेंस डायग्राम और क्लास डायग्राम पढ़ी थी। आज जो है टॉपिक है आर्किटेक्चर डिजाइन के ऊपर। ये जो आपने सीक्वेंस डायग्राम या क्लास डायग्राम पढ़ी थी उसके अंदर जो ज्यादा वो फोकस दोनों चीजों को ही करती थी, आपकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को भी करती थी और देन आपके डिजाइन को भी टच करती है। तो यहाँ अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है आर्किटेक्चर डिजाइन के मतलब है कि जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसका कोई ना कोई आर्किटेक्चर डिजाइन बनाया जाता है। ये आर्किटेक्चर डिजाइन बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो पहले उसका मैप बनता है, उसका आर्किटेक्टर जो है वो उसका डिजाइन करते हैं। अब उस आर्किटेक्चर को डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट किया जाता है उसका, जैसे हम कहते हैं जी फ्रंट एलिवेशन व्यू है, कभी कहते हैं जी टॉप व्यू है, कभी कहते हैं जी उसका ग्रे स्ट्रक्चर है, कभी कहते हैं जी उसका जो जो अर्थ मैप है जिसके अंदर वो लाइनों के जरिए कैलकुलेशन के जरिए है, ये सारी चीजें दिखाई जाती है। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर को भी रिप्रेजेंट जो उसका आर्किटेक्चर है उसको मुख्तलिफ वे से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के मुतल्लिक जो है वो चीज़ें आज हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पे आर्किटेक्चर की डेफिनेशन के आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से IEEE ने डिफाइन किया आर्किटेक्चर इज अ फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सिस्टम, फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सिस्टम एम्बॉडीड इन इट्स कंपोनेंट, देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर एंड द एनवायरनमेंट एंड द प्रिंसिपल गवर्निंग डिजाइन एंड रिलेशन। यानी ये फोकस करती है कि ऑर्गेनाइजेशन जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं उसकी फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन को, किस चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन के, कि उसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं और इन कंपोनेंट्स में आपस में क्या रिलेशनशिप है, और इन्हीं कंपोनेंट का अदर एनवायरनमेंट के साथ यानी जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं उनके साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, और इसके अलावा वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करने से आप डिजाइन को इवॉल्व कर सकते हैं। इन सारी बातों को क्या नाम दिया गया, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिस्टम इट्स कंपोनेंट देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर एंड विद एक्सटर्नल सिस्टम आल्सो एंड द प्रिंसिपल व्हिच विल गवर्न द डिजाइन एंड एवोल्यूशन ऑफ सिस्टम। तो वो सारी चीजों को क्या नाम दिया गया, IEEE आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर। एक और फेमस ऑथर है बूच, बूच ने जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एनकंपासेस, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एनकंपासेस सेट ऑफ सिग्निफिकेंट डिसीजन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। अब वो डिसीजन कौन कौन से हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट एंड देयर इंटरफेसेस एंड बिहेवियर। अब इसने क्या कहा, वहां पे था कंपोनेंट्स और रिलेशनशिप की बात थी, यहाँ पे इसको नाम कहते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट और उन एलिमेंट्स को यूज करने के लिए जो इंटरफेसेस रिक्वायर हैं वो, और जो उसका बिहेवियर है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स का, इनकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या नाम दिया गया, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। ठीक है, अब एक तरफ आर्किटेक्चर है दूसरी तरफ डिजाइन है, इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। आर्किटेक्चर से आप डिजाइन बनाते हैं, आर्किटेक्चर से आप डिजाइन बनाते हैं। अच्छा, फिर जो सॉफ्टवेयर की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिलेट करती है आर्किटेक्चर के साथ, और जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो रिलेट करती है डिजाइन के साथ। तो आर्किटेक्चर वर नॉन फंक्शनल डिसीजन आर कास्ट एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर पार्टीशन। आर्किटेक्चर क्या है, वेयर नॉन फंक्शनल डिसीजन आर कास्ट एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर पार्टीशन। आर्किटेक्चर वो है जहाँ पे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट और फंक्शनल रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया जाता है, पार्टीशन कर दिया जाता है। और डिजाइन क्या है, वेयर फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर कंप्लीट। और डिजाइन के अंदर क्या है, डिजाइन फोकस करता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स।
और आर्किटेक्चर क्या करता है, इन दोनों को क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है। दिस इज जनरल गाइडलाइन, समटाइम ब्रॉडर्स आर ब्लर्ड। तो ये बाज दफा जो है ये चीजें क्लियर होती है, बाज दफा ये ब्लर होती है। ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट एंड सिस्टम टू सिस्टम। ये जरूरी नहीं है कि हर ये चीज अलग अलग हो। अब आर्किटेक्चर की एग्जांपल, फॉलोइंग आर द डिजाइन प्रिंसिपल टू बी कंसीडर फॉर मिनिमाइजिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एंड मैक्सिमाइजिंग एक्सटेंडेबिलिटी यूजेबिलिटी ऑफ आर्किटेक्चर। डिजाइन प्रिंसिपल है नीचे क्या है, जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे और मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट को, कॉस्ट को और मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट को कम करेंगे और मैक्सिमाइज करेंगे किस चीज को, एक्सटेंसिबिलिटी को, एक्सटेंडेबिलिटी को, यूजेबिलिटी ऑफ द आर्किटेक्चर। अब पहला प्रिंसिपल डिजाइन प्रिंसिपल क्या है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। यहाँ पे जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रिंसिपल्स जिनको यूज करने से, जिनको फॉलो करने से हम क्या अचीव करेंगे, हम मिनिमाइज कर सकेंगे किस किस चीज को, कॉस्ट को, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को और मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट को, और मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट को, और मैक्सिमाइज करेंगे एक्सटेंडेबिलिटी यूजेबिलिटी ऑफ आर्किटेक्चर को। वो की प्रिंसिपल्स क्या है, पहला प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ कंसर्न। सेपरेशन ऑफ कंसर्न क्या करता है, डिवाइड द कंपोनेंट सिस्टम ऑफ सिस्टम इनटू स्पेसिफिक फीचर्स सो दैट देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑन द कंपोनेंट फंक्शनैलिटी। हम क्या करते हैं, फंक्शनैलिटी को क्या कर लेते हैं, फीचर्स को अलग अलग कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, दिस विल प्रोवाइड हाई कोहिजन ऑफ लो कपलिंग। दिस अप्रोच अवॉइड द इंटरडिपेंडेंसी अमंग कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम विच हेल्प इन मेंटेनिंग द सिस्टम इजीली। कहने का मतलब यह है कि किसी बड़ी प्रॉब्लम को हम डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को अप्लाई करते हुए स्मॉलर कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, जो इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकेंगे और उनको मैनेज करना और मेंटेन करना भी आसान होगा, और उनकी वजह से हाई कोहिजन एंड लो कपलिंग होगी। क्या है, हाई कोहिजन एंड लो कपलिंग। अब ये कोहेसिवनेस और कपलिंग जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपोनेंट्स के दरमियान, कि जिससे जो है कि कंपोनेंट्स को वेल एलोबरेट भी किया जा सकता है और उनके दरमियान जो है वो इंडिपेंडेंस, लो कपलिंग जो है वो इंटरडिपेंडेंसी को कहते हैं, और कोहिजन जो है वो कि इससे बिल्कुल एनोनोमस ना हो जाए, अलग ना हो जाए, बल्कि वो आपस में इंटर रिलेटेड ही हो। दूसरी चीज है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ईच एंड एवरी मॉड्यूल ऑफ ए सिस्टम शुड हैव वन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी विच हेल्प यूजर टू क्लियरली अंडरस्टैंड द सिस्टम। इट शुड ऑल्सो हेल्प विद इंटीग्रेशन ऑफ कंपोनेंट विद अदर कंपोनेंट। तो क्या कहते हैं कि जो आप कन्वर्ट करेंगे कंपोनेंट्स के अंदर डिजाइन, यानी इस तरह से बनाएं कि हर कंपोनेंट यूनिकली किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा हो, उसका फिर फायदा क्या होगा कि आपको उन टास्क को इंटीग्रेट करना भी आसान होगा और उसकी हर टास्क की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आइडेंटिफाई करना भी आसान होगा। जिसको क्या कहें, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करें। ऐसा ना करें कि एक काम को एक से ज्यादा कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर्ड हो जाएगी। तो कोशिश किया जाए कि एक कंपोनेंट को एक चीज का रिस्पॉन्सिबल किया जाए, एक काम के अगेंस्ट जो है एक कंपोनेंट जो है करती है। आगे आगे कोहिजन एंड कपलिंग, यू हैव डेवलप ए टिक टैक टो गेम, एवरीथिंग हैज बीन पुट इनसाइड द मेन मेथड, देयर आर नो अदर क्लासेस आर मेथड्स, द कोड इन द मेन मेथड इज नो वे रीयूजेबल एंड हैज प्रोबेबली लॉट ऑफ रिपीटेड कोड। दिस इज अ बैड डिजाइन।
स्प्लिटिंग एंड रीफैक्टोरिंग द टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर क्लासेज एंड मेथड विल इम्प्रूव कोहीजन एंड कपलिंग। अब यहाँ पे वो भी बता रहा है कि जब भी आप कोई बस कोई भी प्रोग्राम, जरूरी नहीं है टिक टैक प्रो गेम की बात करें, आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं और उसके अंदर फंक्शन एंड क्लासेस नहीं बनाते, तो इसका मतलब ये है आप उस कोड को रीयूज नहीं कर सकते, क्यों? सारी चीजें तो इंटरमिक्स होती हैं, ठीक है, और इसकी वजह से फिर आप रेपिटेशन ऑफ कोड भी होगा, क्योंकि जो काम भी आपने करना है बार बार करना है। अगर आपने उस काम को किसी फंक्शन में या किसी क्लास में रखा तो जस्ट उसको कॉल करेंगे तो रीयूज आसानी से हो जाएगा, तो रेपिटेशन ऑफ कोड भी होगा, डिजाइन भी बैड होगा। डिजाइन बैड कैसे होगा? डिजाइन बैड ऐसे होगा कि कल को उसको आप चेंज करना चाहें, फर्ज किया एक प्रोग्राम बनाया 1000 लाइनों का कोड, उसके अंदर 5 फंक्शनलिटी हो रही है, अगर किसी एक फंक्शनलिटी में चेंज करने की जरूरत पड़ जाए तो पहले आपको 1000 की 1000 लाइनों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को चेंज करने के लिए कहाँ कहाँ चेंज किया जाए। इसका मतलब कि जब आपको इतना सारा छोटे से छोटा काम करने के लिए भी वही 1000 के 1000 लाइनों को पढ़ना पड़े, इट्स अ बैड डिजाइन। और इसकी बजाय अगर वही चीजें मॉड्यूल्स के अंदर अरेंज की जाए, क्लासेस के अंदर अरेंज की जाए, तो इसका मतलब ये है कि जिस स्पेसिफिक चीज को मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी आप उस स्पेसिफिक एरिया में जाएंगे उसको मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। अब आगे डेफिनेशन के, कोहीजन की डेफिनेशन क्या है? कोहीजन रेफर्स टू व्हाट द क्लास, व्हाट द क्लास आर मॉड्यूल विल डू। कोहीजन का मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर क्लास या कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल क्या काम करेगा। लो कोहीजन वुड मीन दैट क्लास डज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ एक्शन एंड इज नॉट फोकस ऑन व्हाट इट शुड डू। अगर क्लास के अंदर बहुत सारी चीजों को डाल दिया जाए तो इसका मतलब इसकी क्या है? लो कोहीजन। हाई कोहीजन वुड देन मीन दैट क्लास इज फोकस ऑन व्हाट इट शुड बी डूइंग। क्लास सिर्फ वही काम करे जिसका उसको टास्क है, तो देन इसका मतलब क्या है? हाई कोहीजन। ओनली मेथड रिलेटिंग टू द इंटेंशन ऑफ क्लास। अब मसलन इसकी मिसाल के तौर पे आपने क्लास बनानी है, सर्कल की क्लास बनाने फर्ज किया। अब सर्कल की क्लास के अंदर आप इनपुट का फंक्शन भी डालते हैं, शो का फंक्शन भी डालते हैं, ठीक है, और जो है इनरेलेवेंट चीजें भी अगर डाल दें, तो इसका मतलब यह है कि वो फंक्शन, वैसे सर्कल की क्लास के अंदर आपको क्या चाहिए? आपको एक जो जो आपके गेटर मेथड है, सेटर मेथड है, कि आप सर्कल का सेंटर सेट करें, सर्कल का रेडियस सेट करें, ठीक है जी, और सर्कल का एरिया कैलकुलेट करें, सर्कल का सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करें, ये सारी चीजें हैं। और उससे इनरेलीवेंट चीजें भी अगर आप उसमें डालना शुरू कर देते, इसका मतलब कि वो लो कोहेसिव होगी, जो सिर्फ जो जिस चीज का फोकस करते हुए अगर वो रखते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी है लो कोहेजन की और हाई कोहेजन की। मतलब ये एक क्लास है स्टाफ की, क्लास है स्टाफ की, अब उसके अंदर सैलरी है, उसका ईमेल एड्रेस है, उसकी सैलरी को सेट करना, उसकी सैलरी को गेट करना, उसकी ईमेल को सेट करना और गेट करना, ये तो है हाई कोहीजन, क्योंकि ये सारे फंक्शन स्टाफ के रेलेवेंट है, कोई भी इररेलेवेंट काम नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे स्टाफ की ही क्लास है, उसमें हमने चेक ईमेल का दे दिया, सेंड ईमेल का दे दिया, ईमेल को वैलिडेट करने का दे दिया, प्रिंट करना लेटर, तो ये सारे काम इररेलेवेंट टू स्टाफ है। ये सारे काम क्या है? स्टाफ की क्लास से इररेलेवेंट एक्टिविटीज है जो वो चेक काम कर रहा है, जो वो काम कर रहा है। तो अगर क्लास रेलेवेंट टू इट्स ऑब्जेक्टिव काम कर रही होगी तो इसका मतलब हाई को हिस्से पर, हाईली को हिस्से पर, अदरवाइज लो को हिस्से, लो को ही। एज अब कपलिंग क्या है? कपलिंग इट रेफर टू हाउ रिलेटेड आर टू क्लासेस, हाउ रिलेटेड आर टू क्लासेस आर मॉड्यूल एंड हाउ डिपेंडेंट दे आर ऑन ईच अदर। बीइंग लो कपलिंग वुड मीन दैट चेंजिंग समथिंग मेजर इन वन क्लास शुड नॉट अफेक्ट अदर, शुड नॉट अफेक्ट अदर। एंड हाई कपलिंग वुड मेक आवर कोड डिफिकल्ट टू मेक चेंज एज वेल एज मेंटेन इट। ए क्लास आर कपलिंग
टूगेदर मेक ए चेंज कुड मीन एंटायर सिस्टम रीवैम्प। अब इसका क्या मतलब है, मतलब आपने कोई काम किया कि दो क्लासेस बनाई, अब एक क्लास में चेंज करने का मतलब है कि दूसरे में भी जाके चेंज करना पड़े। तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर कपलिंग क्या है, हाई कपलिंग है। तो उसका नुकसान क्या होगा कि इस मतलब क्या, जैसे आप कोई कोड बनाते हैं, आपको पता है कोड में किसी ने चेंज करने का कहा तो आपको पता है 10 जगह जाके चेंज करेंगे तो फिर वो सही चलेगा। इसका मतलब ये है कि एक मॉड्यूल की डिपेंडेंसी दूसरी जगह पे भी है, और अगर डिपेंडेंसी ना हुई तो इसका मतलब ये है कि वो फिर जो है वो इसकी कपलिंग क्या है, लो कपलिंग। हाउ रिलेटेड आर टू क्लासेस एंड हाउ डिपेंडेंट दे आर ऑन ईच अदर बीइंग लो कपलिंग। लो कपलिंग में क्या है कि कितना वो आपस में कम से कम डिपेंड करते हैं। चेंजिंग समथिंग मेजर इन वन क्लास कुड नॉट अफेक्ट दी अदर। तो इसका मतलब लो कपलिंग का वैसे एक में चेंज करने से दूसरे का को कोई असर ना पड़े, तो इसका मतलब यह है कि वो लो कपलिंग है। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ डिक्रीजिंग कपलिंग एंड इंक्रीजिंग कोहिजन इज डिजाइन बाई इंटरफेस। तो ये चीज हम कैसे ये अचीव करते हैं, डिजाइन बाई इंटरफेस से जो हम इसको अचीव करते हैं कि जिससे हम हाई कोहिजन और लो कपलिंग यूज करते हैं। दोनों टर्म की समझ आ गई भाई। अगली चीज है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट नॉलेज। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट, एनी कंपोनेंट आर ऑब्जेक्ट शुड नॉट हैव द नॉलेज अबाउट इंटरनल डिटेल ऑफ अदर कंपोनेंट। दिस अप्रोच अवॉइड इंटरडिपेंडेंसी एंड हेल्प मेंटेनेबिलिटी। जैसे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर ऑब्जेक्ट काम कैसे कर रहा है आपको इससे कंसर्न नहीं होती, उसके काम से कंसर्न होती है। इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट नॉलेज है, आपने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया आप इसको सारे मेथड को आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने स्केयर रूट का फंक्शन यूज किया सी के अंदर, आप यूज करते हैं तो वो स्केयर रूट फाइंड कर देता है, लेकिन आपको नहीं पता वो कैसे काम कर रहा है, आपको नहीं पता कि उसके अंदर वर्किंग कैसे हो रही है, आप जस्ट यूज कर रहे हैं। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट नॉलेज, कि आप उसको यूज करते हैं मगर आपको इससे कोई लेना देनी है कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, आप सी आउट यूज करते हैं, अंदर कैसे वो काम कर रहा है नहीं पता लेकिन आप यूज करते हैं। आप क्लियर स्क्रीन यूज करते हैं, कैसे काम करता है नहीं पता लेकिन आप इसको यूज करते हैं। डोंट रिपीट द फंक्शनैलिटी, इट स्पेसिफाई दैट फंक्शनैलिटी ऑफ कंपोनेंट शुड नॉट बी रिपीटेड एंड हेंस पीस ऑफ कोड